हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसा कि हमारी क़यादत ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज्तिमा में ये बात वाजे की कि हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते कश्मीरियों को जो सजा दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या वो शहरी नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान से अलग हैं? क्या वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हो रही, क्यों हो रहा है? क्यों आज टारगेट बनाया जा रहा है कश्मीरी स्टूडेंट को, हमारी बच्चियों को, हमारे जो लोग कारोबार करने के लिए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये सियासी साजिश है? ये टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी को इलेक्शन जीतने के लिए एक वाइज रियासत है जो मुस्लिम जाति रियासत है, इसको टारगेट किया जा रहा है? मुल्क में क्या इंप्रेशन दिया जा रहा है? हम दिल्ली वालों को ये कहना चाहते हैं, हमें बहुत बार सप्रेस करने की कोशिश की गई, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन कश्मीरी कौम को दबाया नहीं जा सकता है। हमें मोहब्बत से बुलाओ, हमारे साथ मोहब्बत के पेश आओ, हम भी मोहब्बत से बात करेंगे, लिहाजा हमारी आवाज सुनो। देखिए जनाब, जो पुलवामा का जो भी हादसा हुआ है जिसमें काफी सीआरपी के लोग हादसे का शिकार हुए, उसके बाद जो पूरे मुल्क में एक अजीब सा एक माहौल कायम किया गया, एक कश्मीरियों के खिलाफ एक डर और खौफ का माहौल कायम किया गया, कश्मीरी नौजवान जो बाहर पढ़ने के लिए गए थे उनको कॉलेज से निकाला गया, कश्मीरी ट्रेडर जो बाहर थे उनको मारा पीटा गया, एक चुन चुन के जो है कश्मीरी जो हमारे बच्चे और बच्चियां और जो हमारे ताजर हजरात पूरे मुल्क में थे उनको एक सज़ा दी गई इस हादसे की। तो हम पूरे मुल्क को ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा ही हादसा माओस्ट अटैक में भी हुआ जिसमें इससे ज़्यादा जो है सीआरपी की जानें जो हैं ज़ाया हुई, उनके खिलाफ हमने कभी नहीं देखा कि इस किस्म का गुस्से का जो है इजहार किया जाए या इस किस्म से उनको वहाँ इस तरह से उनको मुल्क से निकाला जाए। आज पहली दफ़ा हमने देखा कि चुन चुन के सिर्फ कश्मीरी आवाम को निशाना बना जा रहा है, जो आवाम है उनका इसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले जहन में ये सोचना चाहिए जो नौजवान बाहर तालीम के लिए गया हो उसका तो हकीकती तौर पे वो इस सारे मखमसे से दूर जाना चाहता है और अपनी तालीम हासिल करना चाहता है। जो कारोबार के सिलसिले में बाहर गया है वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाता है, उसका इन हादसात के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनको सज़ा देना ये पूरी कौम को एक सज़ा देने के बराबर है। हमने आज एक एहतजाज निकाला जिससे हम उनकी उस कॉन्शियस को निचोड़ें जो अब तक सोई हुई है। कुछ कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमको राहत लगी, उन्होंने सारे जो है स्टेट्स पे वो एक हुक्मनामा जारी किया, हम शुक्रगुजार हैं उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि ये बात वज़ीर आज़म के दफ्तर से जानी चाहिए थी, वज़ीर आज़म की ज़बान से जानी चाहिए थी, होम मिनिस्टर की ज़बान से निकलनी चाहिए थी। अफसोस है कि उन्होंने इस बारे में मुंह तक नहीं खोला अब तक। जनाब 35A को स्क्रैप करना तो दूर, सोचना भी आग के साथ खेलने के बराबर होगा। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा उसकी हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा देने तक तैयार हो जाए। तो 100 लाई हैं या 150 लाई हैं ये तो गवर्नमेंट बता सकती है, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं, उनके एडवाइजर हजरात बता सकते हैं, उन्होंने किस लिए लाया है ये भी वो बता सकते हैं, ये उनको इलेक्शन कराना है चाहे उसके लिए लाया हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो यहाँ कंट्रोल करने के लिए लाई गई हो, जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उनको लेने के देने पड़े। इस दफ़ा पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है एकजा होकर
उनके किसी ऐसे हरबे का जवाब नहीं।